Thank you all. Sir Adam Kitsangma and Madam Ferlin to felicitate our chief guest. Hayan jilap san gambe chikatna aru jak parang ku dokatna. Aru rak bate chikatna. Jak chang ija jak parang kwan ching dokang kuna. Anchuni asong ko dilenga pa. Anchuni phadot. हा नरेंद्र मोदी अंचु बक्सा दाल दूंगा यह अंचनी खाप छानी खुशी होंगे अरो रासुम छानी होंगा दालो चूरा कदर कबा सोंजन माउना गारो हिल सोना अंचनी मंगसोंग कबा फादो दालो सोकबा हा अंदिता मंदिर अनि निकानियो निसम सोनियो अंचिंग अंचनी अब में देश की मननिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमें संबोधित करने के लिए आग्रह करती हूँ। Kumna filan जब जब मेघालय आने का अवसर मिला है हर बार आपका प्यार बढ़ता ही जाता है, आपके आशीर्वाद भी बढ़ते जाते हैं। मैंने अभी शिलोंग में देखा, अभूतपूर्व रोड शो किया उन्होंने और यहां आया पूरे रास्ते भर बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। यहां भी आप इतनी बड़ी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के लिए आपका ये प्यार कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उनकी नींद उड़ गई है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि ये रैली न हो पाए, लेकिन मेघा ने अपने दिल में ही जगह दे के रखी हुई है और मैं यहां चारों तरफ देख रहा हूं, मेघालय के लोगों, मेघालय के लोगों की एक ही पुकार है, मेघालय मांगे बीजेपी सरकार, मेघालय मांगे, मेघालय मांगे और मेघालय में बीजेपी सरकार, मेघालय में बीजेपी सरकार यानी यहां के यूथ को रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके, मेघालय में बीजेपी सरकार यानी यहां की महिलाओं बहनों बेटियों की दिक्कतें कम करने वाली सरकार, मेघालय में बीजेपी सरकार यानी यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली सरकार। भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि मेघालय के ट्राइबल कल्चर, यहां के म्यूजिक, यहां की भाषा का प्रचार प्रसार हो। हमारी सरकार ने जब मेघालय के प्रोफेसर बाजा पलीन बोर और म्यूजिशियन रिसिंग बोर कुरकालांग को
पद्म सम्मान दिया तो उसके पीछे भी यही भावना थी। मन की बात कार्यक्रम में भी मुझे मेघालय के कल्चर, यहां के सामर्थ्य के बारे में बताने का अवसर मिलता रहता है। पिछले वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव में आपने जिस प्रकार वीर यूथ तिरोध सिंह जी को याद किया, उसको मैंने देश के साथ शेयर किया। मेघालय की ऐसी वीर गाथाओं से देशवासियों को भी प्रेरणा मिलती है। देश के अधिकतर लोगों को लगता था कि चेरी ब्लॉसम सिर्फ जापान का ही फेमस है, लेकिन जब मैंने मेघालय के चेरी ब्लॉसम की बात मन की बात में बताई तो इससे लोगों को सुखद आश्चर्य हुआ। मेघालय की फ्लाइंग बोट हो या फिर जयंतिया हिल्स में मिली केव फिश, करोड़ों लोगों की इनकी जानकारी मन की बात से ही मिली है। ऐसे ही प्रयासों के कारण अब देश दुनिया में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मेघालय की पहचान बढ़ रही है। अब तो मेघालय में G20 की मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें दुनिया के अनेक विकसित देशों के लोग यहां आएंगे। इससे मेघालय की पहचान दुनिया भर में सशक्त होने वाली है। साथियों, मेघालय सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमने पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच को बदल दिया है। कांग्रेस की सरकारों ने तो इस क्षेत्र को देश का आखिरी हिस्सा मान लिया था, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानती है। कांग्रेस के लोगों को तो मेघालय की याद सिर्फ चुनाव के दौरान ही आती थी। कांग्रेस और उसके जैसे दलों के लिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ और सिर्फ एटीएम रहा है। जैसे एटीएम से जाकर के पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसे लोग बैठे थे कि नॉर्थ ईस्ट से पैसे ही निकालते थे, वो उनके लिए एटीएम था। आपके हक का पैसा ये लूट लेते थे, जबकि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ईमानदारी से पाई पाई के इस्तेमाल पर विश्वास करती है। आज केंद्र की बीजेपी सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, बहनों के लिए जो भी पैसा भेजती है सीधे बैंक अकाउंट में भेजती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई एटीएम नहीं, कोई लूट नहीं। लेकिन साथियों, आपको एक और बात समझनी चाहिए। अनेक तरह के विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ काम करना पड़ता है। पड़ोस में असम हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी कितना बेहतरीन काम शुरू हो गया है। बीते 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के लिए बजट में कई गुना बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है। मेघालय को भी बहुत अधिक बजट मिला है, लेकिन आज जब यहां लोगों की बातें सुनता हूं तो बहुत दुख होता है।
लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं, ना सड़कें बनी, ना स्कूल कॉलेज, ना अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? यहां का यूथ कह रहा है कि यहां रोजगार के अवसर इन्होंने खत्म कर दिए हैं,